और गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला भी लगातार जारी है। लगातार हमास के ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं और युद्ध भूमि से हमारे संवाददाता विशाल पांडे पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम गजा पट्टी के बेहद नजदीक मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए रेडीमेड जो बंकर्स हैं उनको लाया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर मदद के लिए सेना के लिए पहुंचे हैं उन्हें किसी भी आपात स्थिति में इन बंकर्स में जगह दी जा सके। ये बंकर्स यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये बॉर्डर के बेहद नजदीक है, गजा पट्टी के बेहद नजदीक है, क्योंकि वॉलंटियर्स यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं सेना की मदद के लिए, फूड आइटम्स के लिए, दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए। और आप देखिए कैसे बना बनाया बंकर्स यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि जो अगर कोई रॉकेट से हमला हो, क्योंकि हमास के आतंकी लगातार रॉकेट से हमला कर रहे हैं और जब सायरन बजे तो लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच सके और अपनी जान बचा सके, इसलिए इस तरह के बंकर्स या इसे शेल्टर कहा जाता है, इन्हें यहां पर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जहां रिलीफ कैंप लगाया गया वहां इसे शिफ्ट किया जा रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल। जी न्यूज़।